हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ तीन ऐसी टिप के बारे में जो कि आपकी एग की क्वालिटी को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगी। तो जब भी पेशेंट कंसीव करता है उसके में मेन प्रॉब्लम रहती है कि एग का प्रॉपर ना बनना, या फिर एग बनेगा लेकिन उसकी क्वालिटी जो रहती है वो उतनी अच्छी नहीं रहती है, टाइमली रप्चर नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को कंसीव करने में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो यहाँ पर मैं तीन ऐसी टिप आपको बताऊँगी जिससे जो आपका एग है उसकी क्वालिटी भी अच्छी बनेगी और वो टाइमली रप्चर भी होगा। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। उसके साथ साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। इस चैनल पर मैं बात करती हूँ फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, एडिनोमाइसिस, एंडोमेट्रोसिस, PCOD, इनफर्टिलिटी, इररेगुलर पीरियड्स, इन सब का आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट क्या क्या अवेलेबल है। अगर आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्ट करना चाहते हैं तो ये जो नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है आप इस पर व्हाट्सएप या फिर कॉल करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। अगर आप मुझसे डायरेक्ट मिलना चाहते हैं तो आप हॉस्पिटल आकर विजिट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहली टिप, आपको क्या करना है, जो शतपुष्पा या फिर गुजराती लैंग्वेज में इसको सुआदाना बोलते हैं, आप इमेज देख सकते हैं इस तरह का, ये शतपुष्पा सीड रहती हैं, इंग्लिश में इसको डिल सीड बोलते हैं। तो ये आपको क्या करना है, एक चम्मच शतपुष्पा जो बीज है उसको एक कप पानी में रात को भिगो के रखना है, सुबह उस पानी को बॉईल करना है जब तक वो आधा ना रह जाए, और उस पानी को आपको डेली सुबह पीना है आफ्टर योर पीरियड्स, जब पीरियड पूरे हो जाएं उसके बाद में ये स्टार्ट करना है। ये जो शतपुष्पा है ये एग की क्वालिटी को इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प करता है। ये आपको स्टार्ट करना है आफ्टर पीरियड, और कब तक लेना है, जब तक आपका ओवुलेशन ना हो। सेकेंड टिप, आपको नस्य लेना है। नस्य क्या है, एक आयुर्वेदिक प्रोसीजर रहता है जिसमें जो मेडिसिन है वो हम नोज़ में डालते हैं। यहाँ पर आपको जो नस्य लेना है वो सिंपल गो घृत से लेना है, इट मीन्स गाय का घी लेना है आपको, उसको थोड़ा सा गर्म करना है जब वो लिक्विड फॉर्म में हो जाए, और उसको आपको ड्रॉपर से ईच नॉस्ट्रल 4-4 ड्रॉप्स डालना है। ये आपको स्टार्ट करना है आफ्टर पीरियड्स और टिल ओवुलेशन, इस प्रोसेस को आपको करना है। थर्ड, शतावरी। शतावरी का नाम सबने ही सुना होगा, शतावरी जो है वो भी बहुत अच्छी ड्रग है, एग की क्वालिटी को इम्प्रूव करने में हेल्प करती है। तो यहाँ पर आप शतावरी पाउडर या शतावरी टैबलेट या फिर शतावरी घृत, ये तीनों ही चीज़ें आप स्टार्ट कर सकते हैं पीरियड खत्म होने के बाद में टिल ओवुलेशन। अगर आप शतावरी टैबलेट ले रहे हैं तो दो दो टैबलेट लेनी है आपको खाना खाने के बाद, अगर शतावरी पाउडर है तो एक एक चम्मच पाउडर लेना है, या तो आप दूध के साथ में ले सकते हैं या फिर गर्म पानी के साथ में भी ले सकते हैं। शतावरी घृत है तो वो एक एक चम्मच लेना है गर्म पानी के साथ में, या फिर अगेन दूध के साथ में आप ये चीज़ें ले सकते हैं। ये तीनों ही चीज़ें जो हैं जब आप स्टार्ट करेंगे तो पीरियड खत्म होने के बाद में स्टार्ट करना है, और टिल ओवुलेशन इन चीज़ों को फॉलो करना है, तो ये आपकी एग की क्वालिटी को इम्प्रूव करने में हेल्प करेंगी। आई होप आपको ये तीनों टिप यूज़फुल लगेंगे, इनको ज़रूर करें। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और अपने आसपास वालों की।